गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट, जिसमें अपन मेजर बायोम्स में एक्वेटिक बायोम पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल बायोम या स्थलीय जीवों। स्थलीय जीवों होते क्या हैं? तो लैंड बेस्ड जो बायोम होते हैं उन्हें अपन टेरेस्ट्रियल बायोम या स्थलीय जीवों कहते हैं, और ये कई तरह के होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आर्कटिक टुंड्रा बायोम। आर्कटिक टुंड्रा बायोम कौन से हैं? तो आर्कटिक टुंड्रा बायोम जो है वो सबसे ठंडे बायोम होते हैं। बहुत बड़े बड़ा ट्रीलेस एरिया जो कि स्वाम्पी प्लेन्स होते हैं, और आर्कटिक ओशन के चारों तरफ पाए जाने वाला जो एरिया है उसके रीजन को अपन आर्कटिक टुंड्रा बायोम में कंसीडर करते हैं, जिसमें ये फैला हुआ है नदर्न लैंड ऑफ यूरोप, लैपलैंड स्कैंडिनेविया, और एशिया में साइबेरिया, और नॉर्थ अमेरिका में अलास्का और कनाडा, और मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। इसको कम्प्लीटली अपन कहते हैं टुंड्रा या आर्कटिक टुंड्रा बायोम। और एक दूसरे टाइप का टुंड्रा और होता है जिसे अपन कहते हैं अल्पाइन टुंड्रा, जो कि अल्पाइन टुंड्रा जो बायोम है ये जो हाई माउंटेन्स के टॉप पे पाए जाने वाले रीजन का एरिया होता है जिसे अल्पाइन टुंड्रा में अपन कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी टुंड्रा जो बायोम है उसकी जैसी ही होती है, और ये हाई माउंटेन्स पे होता है इसलिए इसको अल्पाइन टुंड्रा कहते हैं। और आर्कटिक रीजन में आर्कटिक ओशन के चारों तरफ पाए जाने वाला जो टुंड्रा बायोम है उसे अपन आर्कटिक टुंड्रा बायोम कहते हैं। अब अपन देखते हैं इसके स्पेशल फीचर्स, कि फीचर्स क्या होते हैं टुंड्रा बायोम के, कि उसमें सबसे कोल्डेस्ट बायोम है, ये अर्थ पे पाए जाने वाले सबसे ठंडा जियोम है, जिसमें कि जो सन होता है वो 6 महीने तक लगभग एक साल में वहाँ सन नहीं उगता है, सनराइज ही नहीं होता है, और इसमें जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री फारेनहाइट विंटर में चला जाता है। और आर्कटिक टुंड्रा जो है परमानेंट फ्रोजन सब सोइल यहाँ पाई जाती है, जिसे अपन परमाफ्रोस्ट कहते हैं। जमी हुई जो सॉइल है सब सॉइल वो यहाँ पाई जाती है, जिसे अपन परमाफ्रोस्ट कहते हैं। और ये जो है परमाफ्रोस्ट के कारण यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और फ्रोजन प्री हिस्टोरिक एनिमल्स रिमेन हैव बीन फाउंड प्रिजर्व्ड इन परमाफ्रोस्ट, कि पुराने परमाफ्रोस्ट में अगर बहुत पहले कोई एनिमल दब गया हो तो वो वैसा का वैसा अपन को दबा हुआ प्रिजर्व्ड फॉर्म में कंप्लीट एनिमल मिलता है, जो कंप्लीट फॉसिल जो होते हैं वो परमाफ्रोस्ट में दबे हुए अपन को मिलते हैं। समर सीजन में यहाँ पे जो टॉप सॉइल है उसकी पतली फिल्म पिघल जाती है, और पूल्स, लेक्स, मासेस, कुछ गड्ढे पानी के बन जाते हैं छोटे मोटे, जो कि मॉस्किटोज, मिस ब्लैक फ्लाइज के लिए एक स्वर्ग का काम करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और इंसेक्ट्स के डेवलप होने के कारण इन पर फीड करने वाले जो माइग्रेंट बर्ड्स हैं वो लगभग 100 स्पीसीज माइग्रेंट बर्ड समर सीजन में यहाँ पे इंसेक्ट फूड होने की वजह से आ जाते हैं, तो ये सेफ फीडिंग ग्राउंड इनके लिए होता है। अदर एनिमल्स की अगर अपन बात करें यहाँ पे पाए जाने वाले जो बायोटा है उसमें पोलर बियर्स, आर्कटिक फॉक्सेस, कैरीबाउ और ग्रे वॉल्व्स, ये समर सीजन में यहाँ पे पाए जाते हैं। और प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो छोटे शर्ब्स, कुशन प्लांट्स, लाइकेंस, सिर्फ ये इसमें जो ये इलाका है टुंड्रा का, इसमें समर सीजन में अपन को कुछ रॉक्स पे और ऐसे दिखाई देते हैं। और एक चीज़ के लिए आर्कटिक जो टुंड्रा है ये और फेमस है, कि ब्यूटी ऑफ इट्स फ्लावर्स, ऑटमन में इसमें बहुत छोटे छोटे कुशन प्लांट्स उग जाते हैं और वहाँ उसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर बेड्स यहाँ पर बन जाते हैं, इसके लिए ये फेमस है। अब अपन देखते हैं सेकेंड
बायोम, टेरेस्ट्रियल बायोम, कोनीफेरस फॉरेस्ट बायोम, इसे अपन टेगा बायोम भी कहते हैं। टेगा बायोम जो होगा वो भी कोनीफेरस फॉरेस्ट बायोम ही होता है, इसका ही दूसरा नाम टेगा बायोम है। कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है वो आर्कटिक टुंड्रा के साउथ की तरफ पाया जाता है अर्थ पे अगर अपन देखें, और ये अलास्का से नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक ओशन और अक्रेस यूरेशिया पाया जाता है। और इसके अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो मेनली कोनीफर्स पाए जाते हैं, उन्हीं के आधार पे इसका नाम कोनीफेरस फॉरेस्ट बायोम दिया गया है। इसे टेगा भी कहते हैं, जो कि अर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में टुंड्रा बायोम के साउथ की तरफ ये पाया जाता है, और नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, इसको टेगा भी कहते हैं। और इसमें यहाँ से सॉफ्ट वुड, कमर्शियल सॉफ्ट वुड टिम्बर जो है वर्ल्ड में, वो यहीं से प्राप्त की जाती है। कोनीफर जो प्लांट्स हैं, कोनीफर जो ट्री हैं, उनसे ही अपन को कमर्शियल सॉफ्ट वुड टिम्बर मिलती है। अब अगर अपन इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो कोन बियरिंग ट्रीज़, जो इस तरह की शेप के ट्रीज़ होते हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि स्प्रूस, हेमलॉक, फिर ये इसकी कुछ स्पीसीज होती हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड होते हैं। इसकी जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, और क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लीव्स का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इसलिए सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ज़्यादा नहीं होती है। और यहाँ पे पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो मूज, रेड फॉक्स, स्नो शू रैबिट, कुछ बर्ड्स जैसे कि क्रॉस बिल, ग्रेट हॉर्न्ड ऑल, ये सब यहाँ पर इसके स्पेसिफिक फीचर्स में इसका बायोटा आता है। अब अपन बात करते हैं थर्ड टेरेस्ट्रियल बायोम की, जो है डेसीडुअस फॉरेस्ट बायोम या पर्णपाती जो वन्य जीवोम है वो। ये जो बायोम है ये माइल्ड टेम्परेट जोन में पाया जाता है, जो थोड़ा कम ठंडा होता है टेम्परेट जोन, उसमें पाया जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में, जो कि टेगा के साउथ की तरफ होता है। और मेजर रीजन इसके हैं वो मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ईस्टर्न एशिया। अब अपन बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की। इसकी स्पेशल जो फीचर है डेसीडुअस फॉरेस्ट बायोम इसको कहते हैं, तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी लीव्स को, पत्तियों को एकदम से पतझड़ के मौसम में सारी की सारी पत्तियां इनकी झड़ जाती हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वनीय जीवोम कहते हैं। और ये पत्तियां गिरने से उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में सारी पत्तियां, लगभग सारी की सारी पत्तियां पेड़ों की गिर जाती हैं, सिर्फ डंड उनकी ब्रांचेज बसती हैं, और वो पत्तियां गिरने की वजह से सोइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अपन को मिल जाता है, और वो दूसरे प्लांट्स को और एनिमल लाइफ को ग्रो करने के लिए बहुत सपोर्ट करती है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो प्लांट स्पीसीज हैं जो ओक, बीच, ऐश, मैपल ट्री तो सबने देखा होगा मोहब्बतें मूवी में, इसका एग्जांपल दिखाया जाता है कि मैपल लीव उड़ रही होती हैं। तो मैपल लीव्स, मैपल ट्रीज जो हैं वो मेनली डेसीडुअस फॉरेस्ट बायोम में पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स, बेरीज, और एनिमल्स की अगर अपन बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रकार के इंसेक्ट्स और लाइफ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाई जाती है, क्योंकि फर्टाइल सोइल जो पाई जाती है वो एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ के लिए ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे जो पीपल हैं वो भी बहुत ज़्यादा नंबर में पॉपुलेशन भी रहती है। और यूरोप का जो डेसीडुअस फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, क्योंकि लोग जो ह्यूमन बीइंग है वो रहने के लिए, मानव खेत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए इनकी काम में, एक तो फार्म खेत बनाने के लिए इनको काटते हैं, दूसरा घर बनाने के लिए लकड़ियां काम में लेने के लिए इनको नुकसान पहुंचाते हैं। यूएस
में पाए जाने वाले जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं उनमें पाए जाने वाले एनिमल में डियर, अमेरिकन ग्रे स्क्विरल, वुड माइस, रैबिट, रैकून, वुड पैकर्स, कार्डिनल्स, फिंचेज, ये बर्ड्स, इस तरह का एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बायोम की, जो है डेजर्ट बायोम, मरुस्थलीय बायोम। अब मरुस्थलीय बायोम खुद दो तरह के होते हैं, एक होता है कोल्ड मरुस्थल, एक होता है हॉट, एक कोल्ड डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट, एक गर्म मरुस्थल और एक ठंडा मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल को ड्राई, जो हॉट डेजर्ट होगा वो भी ड्राई होगा, कोल्ड डेजर्ट भी ड्राई होगा, पर जो हॉट होगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कोल्ड डेजर्ट होगा वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होगा। और इसकी जो खास बात है डेजर्ट बायोम की वो ये है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस बहुत कम होती है, लगभग नेग्लिजिबल होती है, लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि टेम्परेचर मेन जो क्लाइमेटिक कंडीशन उसमें टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है, जहाँ पे लाइफ जो एनिमल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और दूसरी चीज़ वहाँ पर पानी नहीं होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एडवर्स होता है, साथ में पानी नहीं होता और पानी के बिना लाइफ होनी मुश्किल है। 1/5 साइंटिस्ट बताते हैं, उनका जो मापन है एस्टिमेशन है वो ये बताता है कि 1/5 अर्थ की लैंड की सरफेस का 1/5 पार्ट है वो डेजर्ट। और डेजर्ट जो होता है वो यूरोप के अलावा सभी कंटिनेंट में पाया जाता है। और दो तरह के डेजर्ट बायोम होते हैं, हॉट और हॉट ड्राई या कोल्ड ड्राई। हॉट ड्राई जो है वो अरेबियन और सहारा डेजर्ट है, और जो कोल्ड ड्राई डेजर्ट है वो अंटार्कटिका और गोबी डेजर्ट इसके एग्जांपल। नॉर्थ अमेरिका में 4 मेजर डेजर्ट पाए जाते हैं, ग्रेट बेसिन, द मोजेव, द सोनोरेन, चिहुआन, ये 4 मेजर डेजर्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। ग्रेट बेसिन है वो हॉट डेजर्ट है जो कि मेक्सिको और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है। ग्रेट बेसिन है वो इडाहो, नेवाडा, ओरेगोन, उटा, इनकी पार्ट्स को कवर करता है और कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। स्पेशल फीचर की अगर अपन बात करें डेजर्ट की, तो इसमें लेक ऑफ वाटर पाया जाता है, हीट जो होता है या तो बहुत कोल्ड होता है या फिर बहुत हॉट होता है। प्लांट्स यहाँ पे बहुत कम होते हैं और जो होते हैं वो कैक्टस की स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं, येका, एलोय, ओक्टिला प्लांट्स और सेगोरा कैक्टाई, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स भी बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे कि मेनली रेप्टाइल्स लाइक स्नेक लिजार्ड्स, और एम्फीबियंस में फ्रॉग टोड्स जो कि हॉट डेजर्ट के लिए अडेप्टेड होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और डेजर्ट एनिमल की अगर अपन बात करें, फेमस डेजर्ट एनिमल की, जैसा कि हॉट डेजर्ट अपना थार मरुस्थल अपने राजस्थान में भी पाया जाता है, अपन अगर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर की तरफ तुम लोगों का जाना हो तो देखोगे कि यहाँ पे अपना जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, वो एकदम साफ साफ दिखाई देता है, दूर दूर तक वहाँ पे पॉपुलेशन की बसावट नहीं होती है क्योंकि पानी की कमी होती है, पानी नहीं होने से वहाँ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं हो पाती है, प्लांट्स भी बहुत कम होते हैं और होते हैं जो कैक्टस या झाड़ियाँ, इस तरह के प्लांट्स ही सर्वाइव कर पाते हैं। और एनिमल्स में केमल, जिसे कि रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेजर्टिक एनिमल है जो कि वाटर को स्टोर करके रखता है अपने जो उसका कूबड़ होता है उसमें, फैट में वाटर को स्टोर करके रखता है। और जो पेंगुइन्स हैं वो कोल्ड डेजर्ट, अंटार्कटिक जो डेजर्ट है उसमें पाए जाने वाले मेन एनिमल के रूप में होती हैं। अब अपन बात करते हैं ग्रासलैंड बायोम की, नेक्स्ट है अपना ग्रासलैंड्स बायोम। अब ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो भी हॉट ड्राई क्लाइमेट में पाए जाते हैं और
यहाँ पर बाकी जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ट्रीज़ नहीं होते हैं, और प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, और मैदानों में घास पाई जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इनके जो घास के मैदान हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड पाए जाते हैं, और सभी जगह उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला जो घास के मैदान है उन्हें प्रेरीज कहते हैं, साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं उन्हें पंपास कहते हैं, जो यूरेशिया के टेम्परेट जोन में ग्रासलैंड पाए जाते हैं उन्हें स्टेपीज कहते हैं, साइबेरियन रीजन में पाए जाते हैं स्टेपीज ग्रासलैंड होते हैं, और जो अफ्रीका में पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स हैं वो वेल्ड्स होते हैं, और ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला ग्रासलैंड जैसे कि अफ्रीका में भी पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं उन्हें डाउन्स कहते हैं। तो इस तरह से प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज, डाउन्स, स्वाना, वेल्ड, ये अलग अलग नामों के ग्रासलैंड्स ऑल ओवर वर्ल्ड पाए जाते हैं। स्पेशल फीचर की अगर अपन बात करें तो ये ग्रासी फील्ड का बना हुआ होता है, खुले मैदान होते हैं जहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत कम ग्रो कर पाते हैं, और जो यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल हैं वो ग्रेज कैटल यहाँ पे मेनली पाए जाते हैं, और सीरियल क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं। एनिमल लाइफ में डाइवर्सिटी बहुत कम होती है क्योंकि खुले मैदान होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स में वॉल्फ, बाइसन मेन डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में पाए जाते हैं, और इनको हंटर शिकार करना, इसका हंटर्स के द्वारा शिकार करना बड़ा आसान होता है, इसलिए यहाँ पे एनिमल्स कम होते हैं। और एनिमल्स में प्रेरी डॉग्स, म्यूल डियर्स नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले, और जिराफ, जेब्रा अफ्रीका में पाए जाते हैं, लॉयन अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। ये ग्रासलैंड्स में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट टेरिस्ट्रियल बायोम की, वो माउंटेन बायोम, पहाड़ी पर्वतीय जीवों। जो माउंटेन्स हैं वो अर्थ पे सभी जगह एग्जिस्ट करते हैं, और जो दो ग्रेट बेल्ट पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में माउंटेन्स के, एक बेल्ट है सरकम पैसिफिक चेन जो कि रिंगो फायर भी इसे अपन कहते हैं, वो होती है वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपाइंस से जापान तक, ये एक बेल्ट पाया जाता है इनका माउंटेन्स का। और दूसरा मेजर बेल्ट है जिसे अल्पाइन हिमालयन या तेथियान सिस्टम कहते हैं, जो कि पायरेनीज, स्पेन और फ्रांस से लेकर के आल्प्स और हिमालय, इंडोनेशिया तक पाया जाता है सेकेंड बेल्ट। अगर अपन इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये जो माउंटेन्स हैं यूजुअली एक चेन के रूप में होते हैं, और बहुत ठंडी यहाँ की क्लाइमेट होती है, ठंडी और विंडी, बहुत तेज़ हवाएं और ठंडा, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, साथ ही कोल्डर, विंडियर के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत कम होता है, और यहाँ पर जो कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि गोट, माउंटेन गोट, आइबिक्स, वाइल्ड गोट, शीप, माउंटेन लायन, पूमा, याक। ये एक्सीलेंट क्लाइंबर्स होते हैं क्योंकि चढ़ने के लिए अडेप्टेड होते हैं, तभी ये यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो चढ़ाई होती हैं, ढलान होते हैं उनमें। और प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो ये जियोग्राफिक लोकेशन और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले रीजन में आ रहे हैं। यूजुअली बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है वहाँ पे, ट्री लेस होते हैं, ट्रीज नहीं पाए जाते। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टेरिस्ट्रियल बायोम, रेन फॉरेस्ट बायोम की, जो वर्षा में पाए जाने वाले जो वन होते हैं उनके बायोम। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट हैं ये एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक आइलैंड में पाए जाते हैं। इक्वेटर के जो साथ साथ रेन फॉरेस्ट बायोम होते हैं वो पाए जाते हैं, और रेन फॉरेस्ट जो बायोम हैं वो, इनके एग्जांपल अगर अपन देखें
तो नदर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ड्राई रेन फॉरेस्ट, जिसमें ड्राई सीजन पाई जाती है, रेनी पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में यूनाइटेड स्टेट में पाए जाने वाले टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। तो दो तरह के, एक ड्राई रेन फॉरेस्ट बायोम और एक टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम पाए जाते हैं। स्पेशल फीचर अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 70 इंचज एवरी ईयर होती है। प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे होते हैं बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनकी अगर अपन संख्या की बात करें तो मिलियंस में प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। थिक वेजिटेशन पाया जाता है कि जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट भी करता है, जिससे कि जो वर्षा है उसका साइकिल बना रहता है। रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो उनको अपन स्ट्रेटिफिकेशन, जो रेन फॉरेस्ट हैं उनका मेनली तीन भागों में स्ट्रेटिफिकेशन होता है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है बहुत टॉलेस्ट लेवल होता है, बहुत लंबे पेड़ पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट जो बायोम है उसमें, तो वो उसे अपन केनोपी रीजन कहते हैं। उस जो कि बहुत ऊंचाई वाला लेवल होता है, लगभग 100 से 200 फीट लंबे ट्रीज होते हैं, तो उसके ऊपर वाला रीजन कैनोपी रीजन, और उसके नीचे वाला जो सेकेंड लेवल होता है उसे अंडर स्टोरी रीजन भी कहते हैं, जो कि इसमें स्मॉल ट्रीज पाए जाते हैं जैसे कि वाइन्स पाम्स शब्स पाम्स इसमें आते हैं। थर्ड और लोवेस्ट लेवल होता है जिसे फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं, जिसमें कि हर्ब्स मॉसेस फंजाई ये सब पाए जाते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन इनका बहुत क्लियरली तीन रीजन्स में डिवाइडेड होता है। रेन फॉरेस्ट हैं वो एंडेंजर्ड बायोम है, पीपल जो हैं वो इनको, इसकी जो वुड है उसको जलाने के लिए लकड़ी के रूप में, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, पेपर बनाने के लिए इनके ये ट्रीज़ को, रेन फॉरेस्ट ट्रीज़ को काटने का काम ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए एंडेंजर्ड बायोम है कि इनके इनको काट करके नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही ये ग्रेजिंग और फार्मिंग के लिए भी उपयुक्त स्थान होता है क्योंकि बारिश होती है यहाँ पर। तो जो रेन फॉरेस्ट हैं वो हर मिनट में, ऐसा माना जा रहा है कि एवरी मिनट अप्रोक्सीमेटली 30 एकड़ रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय मानव गतिविधियों के द्वारा किए जा रहे हैं, और इसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, जो कि कटिंग और बर्निंग ऑफ रेन फॉरेस्ट के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में काम कर रही है, बढ़ाने का। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें एंटीटर जुकार, ब्रोकेट डियर, लिमूर, ओरंगटान, मार्मोसेट, मक्का, पैरट, स्लोथ, टोकान ये पाए जाते हैं। प्लांट स्पीसीज की अगर अपन बात करें तो बैम्बू, बनाना ट्री, रबर ट्रीज का सवा ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। आज का अपना जो टेरेस्ट्रियल बायोम स्थलीय जीवोम का जो टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है। अपना जीवोम का जो टॉपिक था वो पूरा खत्म हो चुका है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना से बचाव करते रहिए, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और साथ साथ सबसे ज़रूरी बात पढ़ाई जरूर करिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।